ओके। आज किस तरह का समाजवादी पार्टी का बलिया मुख्यालय पर प्रदर्शन रहा, क्या मांग रही, किस बात को लेकर समाजवादी पार्टी परेशान है जनता के मुद्दों को? संदेश क्या है? जिस बात को लेकर पूरा प्रदेश परेशान है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, अत्याचार, जुल्मो सितम, जाति देख कर फैसले लेना, लोगों से झूठ बोलना, धोखा देना, निरंकुश प्रशासन, इन सबके खिलाफ इस क्रांतिकारी धरती बलिया से जिसका अपना एक इतिहास रहा है, आज संघर्ष की आगाज समाजवादी पार्टी ने। जिस तरह से प्रदेश में लगातार योगी सरकार कह रहे हैं कि कौशल विकास योजना से लेकर तमाम प्रकार के योजना के लेकर जनता को, पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा था सरकार से, आप लोगों ने भी उसे चलाया था, शायद याद हो या ना हो, कि ये सरकार का नीचे कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक हर दूसरे दिन दावे करते हैं कि हमने इतनी योजनाएं चला दी, इतने रोजगार चला दिए, इतने लोगों को बेरोजगारी रेखा से ऊपर ला दिए, इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिए। तो आप पत्रकार साथियों से मैं अपना ज्ञान वर्धन कराना चाहूँगा कि जो सालों से 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज चल रहा है, वो 79,99,999 क्यों नहीं हुआ? दोनों में से एक ही तो सच हो सकता है। और योगी जी की बात कर रहे हैं तो अभी इसराइल से रिपोर्ट आई है, जिनको 10,000 बच्चों को इन्होंने धोखे से भेजा था इसराइल में, वहाँ झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, बुलेट खा रहे हैं। ये इन्होंने उत्तर प्रदेश योगी के रूप में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के रूप में, इन्होंने उत्तर प्रदेश के गरीबों को छला है और ठगा है। माफ़ी मांगे उन परिवारों से जिनके बच्चों को इन्होंने धोखे में रखकर विदेश में नौकरी के नाम पर इसराइल भेजा। पिछले लोकसभा में जितने भाजपा के साथ सपा का गठबंधन हुआ, मायावती जी का आरोप सीधे सीधे है कि अखिलेश यादव जी का फोन नहीं उठ रहा था दलितों से। मैं राजनीति में हूँ, मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, श्रद्धेय नेताजी और अपने गुरु जन्मेश्वर मिश्रा के साथ रहा हूँ, राजनीति का प्रकारा सीखा हूँ। वर्तमान राजनीतिक परिवेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा संस्कारी, शालीन और सम्मान देने वाला नेता किसी और को नहीं देखा है, इसलिए ये सब बातें कहना अपने कार्यकर्ताओं से झूठ है। मंगेश यादव को जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि फर्जी इनकाउंटर है, लेकिन यूपी पुलिस ने अब वीडियो जारी किया है कि मंगेश यादव उस दिन घर पर नहीं था, गैंग में शामिल था, तो क्या कहना चाहेंगे? जो कातिल है वही गवाह भी है और वही जज भी है, इस पर आश्चर्य कैसा। हम तो फिर भी पूछ रहे हैं ना, उसी जो मुख्य जो आरोपी है उसके ऊपर गोली क्यों नहीं चली? जो लिस्ट जारी है, हम शुरू से बोल रहे हैं टॉप 100 अपराधियों की लिस्ट जारी करिए, उनके हिसाब से क्यों नहीं चलती है? गोली पूछ कर चलती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अपराधी हो तो हिसाब से आपको रियायत बनती है, लेकिन अपराधी की जात देखकर या अपराधी है कि नहीं है इसका फैसला न्यायालय से आए उससे पहले ही अगर आप अपना अंजाम देना चाहते हैं तो बुलडोजर वाले सरकार को, लोकतंत्र का जब बुलडोजर चलेगा तो रोध कर दिया जाए।